अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा नहीं बने और कानून को अपने हाथ में नहीं लें। राजधानी रांची में पिछले एक महीने के अंतराल पर भीड़ ने पीट पीट कर दो लोगों की जान ले ली, जो रांची के कोतवाली और अंगड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी। अब रांची से इस कलंक को मिटाने के लिए रांची पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र के थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो पूरे इलाके में मॉब लिंचिंग को लेकर स्थानीय लोगों को जागरूक करें, ताकि भीड़ कानून को अपने हाथ में ना ले, क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति चोर नहीं होता और न ही भीड़ को किसी भी व्यक्ति की हत्या करने की इजाजत होगी, क्योंकि उसे भारतीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देता, और इस वजह से जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। मॉब लिंचिंग या भीड़ हिंसा जिसको हम कहते हैं, इसको लेकर के रांची पुलिस बिल्कुल सतर्क और संवेदनशील है। देखिए, इस संबंध में अगर आप ध्यान देंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और पुलिस मुख्यालय दोनों से भी निर्देश प्राप्त है इसमें कार्रवाई करने के लिए। इसमें मुख्य रूप से हम लोग तीन बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। एक तो हम लोग सबसे पहले अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं। विभिन्न थाना प्रभारी, सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया हुआ है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में इसको लेकर के अवेयरनेस ड्राइव जो है वो चलाएं। थाना चूंकि बीट में बटा हुआ है, तो बीट पदाधिकारियों को भी इस बारे में अलग से निर्देशित किया गया है कि अपने बीट में मोहल्ला कमेटी में इसको लेकर के विशेष रूप से प्रचार प्रसार करें। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है रांची का टेली मार्केट। इन क्षेत्रों में अक्सर बाहर से और दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। इस वजह से टेली मार्केट थाना प्रभारी राजेश कुमार सिन्हा ने हाथों में माइक लेकर लाउड स्पीकर के जरिए घूम घूम कर पूरे थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान थाना प्रभारी ने लोगों को कानून की जानकारी भी दी, साथ ही मॉब लिंचिंग को लेकर कानून को अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की। आज हम आपके बीच इसलिए आए हैं कि लोग जागरूक हों कि ऐसी घटनाओं में भीड़ का हिस्सा नहीं बने, और कोई बात होती है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे, 100 नंबर 112 नंबर थाना को सूचना दे, पेट्रोलिंग पार्टी को सूचना दें, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। हम सभी लोग को आगे संदेश देंगे और आगे हम लोग भी जाके गली गली समझाएंगे लोगों को कि इस तरह का माहौल लिंचिंग या किसी तरह के लोग पकड़ाएं, चोरी या एक्सीडेंट या किसी तरह में उनको मारपीट ना करें, उनको अगर 100 नंबर में डायल करें उनको पुलिस को दे और जाके कानून को अपने हाथ में ना लें। मॉब लिंचिंग की वजह से राजधानी को जो काला दाग लगा है, अब उसे मिटाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखना होगा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कितना असर पड़ता है। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के द्वारा की गई हत्या। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन पवन के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।